ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में कुचलने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम में बेहद ही बदलाव कर दिया और अचानक से दोस्तों चार भूखे शेरों की एंट्री करा दी, जिसको देख ऑस्ट्रेलिया की टीम में भूचाल आ गया। वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स को मौका दिया है। और महेंद्र सिंह धोनी ने किन खतरनाक शेरों की एंट्री कराई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों पहले वनडे मुकाबले में वर्ल्ड कप के, तो आप भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी का मुकाबला दोस्तों 5 अक्टूबर से आपका शुरू होगा, जो कि सारे मुकाबले भारत में खेले जाएंगे। और शुरुआती मुकाबले बात करें दोस्तों चैंपियन इंग्लैंड और दोस्तों न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला शुरुआत होगा। और वहीं बता दें दोस्तों टीम इंडिया का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों 8 अक्टूबर को चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये बेहद सांस रोक देने वाला मुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि हाल ही में टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, में कैप्टन रोहित शर्मा जो कि तीसरे मुकाबले में थे, लेकिन उससे पहले दो मुकाबले में केएल राहुल को कैप्टन बनाया गया था। और आपको बता दें दोस्तों चेन्नई के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ। पिछले 5 मुकाबले में से दोस्तों इंडिया के खिलाफ 5 मुकाबले जीती ऑस्ट्रेलिया की टीम। और वहीं बात करें दोस्तों वर्ल्ड कप में टोटल जो मैचेस हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों, वो मैचेस 12 हुए हैं, जहां पे टीम ऑस्ट्रेलिया ने 8 जीते हैं और टीम इंडिया ने दोस्तों 4 जीते हैं। अब क्या प्लेइंग 11 दोस्तों रहने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की पहले वनडे मुकाबले में दोस्तों, और महेंद्र सिंह धोनी ने किन शेरों को मौका दिया है। आप लोगों को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों जब कैप्टन थे भारत के तो कितने मैचेस जिताए हैं, रिकॉर्ड बन गया था। और दोस्तों इसी बार कंगारू के खिलाफ क्या उनकी प्लेइंग 11 दोस्तों रोहित शर्मा से बात करेंगे, कौन से प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा और कौन से प्लेयर्स यहाँ पे फॉर्म में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। टीम इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप का मुकाबला हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि इनके ही घर में हो रहा है दोस्तों, जो कि चेन्नई के स्टेडियम में 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया मुकाबला जीतना चाहेगी कंगारुओं से पहला वर्ल्ड कप का। भारतीय टीम का पिछला 2 बार मुकाबला दोस्तों बारिश के कारण रद्द हो गया, आपका इंग्लैंड और नीदरलैंड के खिलाफ। वहीं पिछला मुकाबला भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेली थी दोस्तों, अब फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला। तो दोस्तों क्या रहेगा प्लेइंग 11 दोस्तों टीम इंडिया की, जो कि ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए दोस्तों। तो बता दें कि कैप्टन रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोस्तों वर्ल्ड कप के सभी मैचेस में ओपनिंग करते आपको नजर आएंगे, ये प्लेयर्स आपको नहीं चेंजेस होंगे। और ना ही दोस्तों 3 नंबर पे धाकड़ बल्लेबाज दोस्तों रन मशीन विराट कोहली, ये तीनों दोस्तों रहने वाले भारतीय टीम में पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे। और वहीं दोस्तों बात करें 4थे नंबर पे अच्छे फॉर्म में चल रहे दोस्तों केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में चल रहे, चोटी होने के बाद वापिस आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी भी किए थे जो कि ओडीआई सीरीज में, तो इनको दोस्तों मौका कन्फर्म है, क्योंकि उन्होंने 1 शतक लगाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में और 2 और शतक लगाए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक बार तो नाबाद रहे हैं। और 5 नंबर पे बात करें दोस्तों हार्दिक पांड्या को मौका दिया जाएगा, ऑलराउंडर दोस्तों बैट्समैन और गेंदबाज और फील्डिंग में भी माहिर है। और 6 नंबर पे बात करें दोस्तों सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जाएगा, जो कि चंद गेंदों में मैच का रुख बदल के दोस्तों रख देंगे कंगारुओं के खिलाफ दोस्तों, ये भी अच्छे फॉर्मेट में चल रहे हैं ओडीआई में दोस्तों अभी। 7 नंबर पे बात करें दोस्तों रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाएगा, 7 नंबर पे बात किया जाए दोस्तों रविंद्र जडेजा को मौका दिया जाएगा, जहां पे स्पिन है दोस्तों और बैटिंग भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। 8 नंबर पे बात करें दोस्तों मोहम्मद सियाज को मौका दिया गया, जो कि आपको पता है एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट लगातार। और वहीं दोस्तों बात करें 9 नंबर पे आपके दोस्तों कुलदीप यादव चाइना मैन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट लिए थे ओडीआई सीरीज में। और वहीं 10 नंबर पे बात करें दोस्तों मोहम्मद शमी को मौका दिया जाएगा, जो कि अभी हाल ही में ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे। और दोस्तों 11 नंबर पे बात करें तो बुमराह जसप्रीत बुमराह दोस्तों, जो कि ओपनिंग के शुरुआती ओवर और लास्ट के अंतिम ओवर के डेथ बॉलर कहे जाने वाले दोस्तों जसप्रीत बुमराह का भी रिकॉर्ड अच्छा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो दोस्तों ये रहे प्लेइंग 11 दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे वर्ल्ड कप में कुचलने के लिए पहले मुकाबले में। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला जीते तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।